हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेसन फर्स्ट था जो प्लांट्स के बारे में था। अब हम प्लांट्स से रिलेटेड थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं। सेकंड चैप्टर आप लोगों का इससे रिलेट मैं आपको आगे करवाती हूँ। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर तरह तरह के प्लांट्स होते हैं। मोर एवर डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेज। हर एक जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स होते हैं। प्लांट अडेप्शन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्लांट अडेप्शन होता क्या है, कि पौधे का अनुकूलन क्या होता है। वी सी प्लांट्स एवरीवेयर। पौधे हर जगह मिलते हैं, इन वॉटर, पानी में भी, इन माउंटेन्स, पहाड़ों पर भी, इन डेजर्ट, रेगिस्तान एंड ऑन प्लेन्स। प्लांट्स इन फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। पानी की वजह से क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे हमारे क्या है, जंगल पाए जाते हैं और जंगल में पौधे, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। द सेम वे इसी तरह से डेजर्ट प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन प्लेन्स। प्लेन्स के कंपैरिजन में डेजर्ट प्लांट्स हैं वो अलग होते हैं। प्लांट्स हैव अडेप्शन टू हेल्प। प्लांट्स को क्या चाहिए, अनुकूलन चाहिए, उनकी हेल्प होती है अनुकूलन के द्वारा। देन लीव एंड ग्रो इन डिफरेंट एरियाज, जिसकी वजह से वो अलग अलग एरियाज में उगते हैं। दीज अडेप्शन में बी ड्यू टू हैबिटेट, वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। फूड, उनको भोजन मिलता है, प्रोटेक्शन होती है उनकी, और उनकी प्रजनन क्रिया होती है जिससे वो बड़े होते हैं। व्हाट इज अडेप्शन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पेशल फीचर, इनके स्पेशल फीचर क्या होते हैं, दैट अलाउ करते हैं उनको प्लांट टू लीव और सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अडेप्शन। अडेप्शन का मीनिंग है कि उनके जो फीचर्स होते हैं वो उनको अनुकूलन बनाते हैं और वहां पे बने रहने के लिए और पूरी तरह से ग्रोथ होने के लिए। क्लासिफाइंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि आप हमारे को प्लांट्स को क्लासिफाई करना है कि बेसिस में उनकी हैबिटेट, उनकी वास कैसे होता है उनका। जनरली प्लांट आर क्लासिफाइड इंटू टू मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द हैबिटेट। कौन कौन से हैं वो, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्राइल होता है, लौकिक प्लांट्स होते हैं। एंड दोज दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ होते हैं जो जल में उगते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी धरती पे उगते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, जो जलीय होते हैं, जो जल में उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो आपको डायग्राम दिया गया है। नाउ फ्लोटिंग प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर एबल टू फ्लोट ऑन वाटर, जो क्या करते हैं, पानी की सतह पर रहते हैं। दे हैव अडेप्ट देयर लाइट वेट, वो उनकी मतलब वेट बहुत ज्यादा कम होता है उनका। लाइक ये घास है, घास को कैसे आप देखते हो पानी के ऊपर उगे हुए, बॉडी सच दैट दे फ्लोट इजिली, वो इजिली बहुत आसानी से उसके साथ फ्लो के साथ बह सकते हैं। दे हैव स्पॉन्जी बॉडीज फिल्ड विद एयर। दैट हाइनिक एंड पिस्ता आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, ये इसके दो एग्जाम्पल है, ऐसे पौधों के नाम है जो फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाते हैं और उसमें उगते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट दीज प्लांट्स आर ट्रू एक्वेटिक, पूरी तरह से ये जलीय है प्लांट होते हैं। दे नीड टू अडेप्ट टू स्टे एंड ब्रीथ अंडर वाटर, वो पानी के अंदर से ही अपनी सांस लेते हैं और वहां पर खड़े रहते हैं, स्टे मतलब स्थिर रहते हैं। दे हैव टिनी डिवाइडेड रिबन लाइक लीव्स, वो उनकी क्या है, एक तरह से लहर के साथ वो बने रहते हैं और उसी के साथ चलते रहते हैं। रिबन लाइक का मतलब है एक पतली सी उनके अंदर लार बनी होती है। द लीव्स हैव नो स्टोमेटा, उनके किसी भी तरह का कोई स्टोमेटा नहीं होता। ब्रीथिंग पोर्स नहीं होते, आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि ब्रीथिंग पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होता है, बट इनमें नहीं होता ये सब। दीज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी, अपनी बॉडी के थ्रू ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। हाइड्रिला एंड वेलिजनेरिया, जिसका दूसरा नाम है टेप ग्रास, आर एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज प्लांट, ये इसके एग्जाम्पल है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिक्स्ड प्लांट्स कौन से होते हैं, द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड, इन पौधों के प्लांट्स क्या होती है, पूरी तरह से फिक्स होते हैं। दे नीड टू अडेप्ट देयर ब्रॉड एंड फ्लैट लीव टू गेट इनफ एयर एंड सनलाइट फॉर मेकिंग फूड, ये इनके लिए क्या होता है कि पूरी तरह से सनलाइट चाहिए, इट मीन सूर्य का प्रकाश चाहिए और हवा चाहिए। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट, जो कमल का फूल है और वाटर लिली है, ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है,
फिक्स्ड प्लांट के कि वो पानी के अंदर कीचड़ के अंदर उगते हैं और उनको सूर्य का प्रकाश भी मिलता है. सब मार्स प्लांट अंडर वाटर प्लांट होता है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.